जय हिंद फ्यूचर ऑफ इंडिया पर आप सभी का स्वागत है। इस वीडियो में आज बात करेंगे हम लोग विशेष इंफोटेक्निक्स लिमिटेड कंपनी के बारे में। इसको हम लोग एमबीएस इंफोटेक के नाम से भी जानते हैं। आप सभी जानते हैं कि इस कंपनी के दो नाम है, एक विशेष इंफोटेक्निक्स और एक एनपीएस इंफोटेक। देखिए नाम भले अलग अलग है, कंपनी एक ही काम धाम दोनों का है कि ये दरअसल अलग अलग वेबसाइट पर अलग अलग नामों से कंपनी सर्च करने पर आती है, एक नाम से नहीं आती है। तो यहाँ पर विशेष इंफोटेक्निक्स लिमिटेड को हमने ओपन किया और इसमें क्या बात होगी, बात ये होगी कंपनी के क्वार्टर वन का जो रिजल्ट आया है वो कैसा रहा और क्वार्टर वन का रिजल्ट के कहीं ना कहीं वो असर ये है कि यहाँ पे आपको तकरीबन 5-5% की तेजी से स्टॉक में देखने को मिलने लगी है। तो फाइनली अगस्त का मंथ चल रहा है और अगस्त के मंथ में इन्हें देखेंगे तो लगभग कंपनियों के क्वार्टर्स के नंबर आने के दिन होते ही है। लगभग हर एक कंपनी का जो मतलब छोटे कंपनियाँ होती हैं, क्योंकि जो बड़े स्टॉक्स होते हैं ना उनका रिजल्ट जून क्वार्टर में रिजल्ट आता है पहला, तो जून जुलाई तक आ जाता है। बाकी जो छोटे स्टॉक्स होते हैं उनको लेकर अगस्त तक आता है। तो अभी अगस्त का सीजन चल रहा है क्वार्टर्स के नंबर आने के, क्वार्टर वन का रिजल्ट का। चलिए इस वीडियो में समझते हैं कि इस कंपनी के क्वार्टर वन का रिजल्ट कैसा है। सबसे पहले क्वार्टर्स के नंबर पर ही बात कर लेते हैं, फिर आगे हम लोग और भी चीज़ों को इसमें डिस्कस करेंगे। फिलहाल क्वार्टर्स का जो नंबर है, क्योंकि जिसके पास पहले से इस कंपनी के शेयर्स हैं तो उनके पास जितने भी शेयर्स हैं उस कंपनी के शेयर्स का क्या होगा, इसका जो क्वार्टर वन का रिजल्ट आया है क्या असर पड़ेगा कंपनी के शेयर्स को प्राइस पे, तो इसको पहले जान लेते हैं फिर आगे और चीज़ों को समझेंगे। देखिए क्वार्टर्स का जो नंबर आया है इसमें देखिए सबसे पहले बात करते हैं सेल्स की, यानी कि कंपनी जो भी चीज़ें बनाती है, जो सेवाएं देती है, उससे कंपनी ने कितना कह सकते हैं सेल्स किया ताकि उससे पैसा कमा। देखिए इसमें जो क्वार्टर वन का रिजल्ट देखेंगे, जून क्वार्टर का रिजल्ट, ये 2024-25 का पहला क्वार्टर रिजल्ट, इसमें 12 लाख के आसपास कंपनी को प्रॉफिट हुआ है। हालांकि देखेंगे पिछले क्वार्टर में काफी ज़्यादा हुआ ही है, लेकिन ओवरऑल देखेंगे तो एवरेज ही कंपनी का सेल्स रहा है। सेल्स कुछ ज़्यादा मतलब ऐसा नहीं हो कि बहुत ज़्यादा खुश हो जाए सेल्स में, चूँकि 12 लाख पहले भी हुआ था, 21 लाख उसके पहले भी हुआ था। एवरेज देखेंगे तो 10 करोड़, 18 लाख, 12 लाख और 12 लाख आसपास कंपनी का सेल्स बना हुआ रह रहा है। तो एक एवरेज कोई बहुत अच्छा नंबर नहीं आया है। और प्लस यहाँ पे देखेंगे तो कंपनी का जो ऑपरेटिंग प्रॉफिट है ये कहीं ना कहीं अच्छी बात है कि इसका जो लॉस था लॉस कम होते हुए यहाँ पे दिखा है। कंपनी पहले 60 लाख के ऑपरेटिंग प्रॉफिट जो मेन बिजनेस है कमा रहे थे, यहीं पे ऑपरेटिंग प्रॉफिट जो मार्जिन है अभी आपको कहीं ना कहीं इसमें सुधार होते हुए आपको दिखा है। तो एक प्रकार से कह सकते हैं कुछ नहीं से कुछ हुआ है, इसका मतलब बेहतर हुआ है, पहले के मुकाबले कुछ ना बेहतर होते हुए यहाँ पे दिख रहा है। और जब आप नेट प्रॉफिट की बात करते हैं, यानी कि टैक्स को देने के बाद इस कंपनी के पास कितना पैसा बचा, तो प्रॉफिट में तो कंपनी कभी थी ही नहीं, हमेशा से लॉस में आ रही है। हालांकि यहाँ पे लॉस कम होते हुए दिखा है इस क्वार्टर रिजल्ट में। जब आप इस क्वार्टर से तुलना करते हैं, इस क्वार्टर से तुलना करते हैं, ओवरऑल तुलना करते हैं आप, तो कहीं ना कहीं लॉस अपने कम कर रही है। और जब एक बार कंपनी लॉस फ्री हो जाएगी, यानी कंपनी के पास कोई लॉस नहीं रहेगा, तो इससे जो कंपनी के पास पैसा आएगा वो पैसा कंपनी कहाँ यूज करेगी, अपने यदि डेब्ट है तो डेब्ट को चुकाने में, प्लस जो रिजर्व जो फ्री कैश फ्लो होता है उसको बढ़ाने में। जब आप यहाँ पे बैलेंस शीट में देखते हैं तो आपको देखने को मिलेगा कि जब आप डेब्ट की बात करते हैं तो डेब्ट यहाँ पे बढ़ता हुआ दिखा है मार्च क्वार्टर में, क्योंकि कंपनी तो प्रॉफिट में है नहीं, थोड़े बहुत पैसे आ रहे हैं तो और भी बिजनेस संभालना है, लोगों को सैलरी देना है, जाहिर सी बात है कर्जे बढ़ गए। हालांकि यहाँ पे रिजर्व जैसे मैंने बताया कि एक बार जब कंपनी प्रॉफिट में आ जाएगी तो प्रॉफिट में चूंकि लॉस कम हो रहा है तो इसके बाद कंपनी प्रॉफिट में आएगा, प्रॉफिट में आने के बाद यहाँ पे कंपनी का जो रिजर्व है वो यहाँ पे बढ़ते हुए दिखेगा। ओवरऑल देखेंगे तो कंपनी का जो रिजर्व है वो घटते क्रम में आपको दिख रहा है, कंपनी का जो फ्री कैश फ्लो होता है कंपनी के पास वो यहाँ पे कम हो रहा है। हालांकि प्रॉफिट में आ जाने दीजिए, उसके बाद ये और जो रिजर्व है ये बढ़ेगा और जो डेब्ट है ये कम होगा, ऐसा जैसा होना चाहिए वैसा होगा। ओवरऑल जब हम बात करते हैं तो ये जो कंपनी है विशेष इंफोटेक्निक्स लिमिटेड, इससे मैंने आपको पहले ही बताया कि आईटी और टेलीकम्युनिकेशन से जुड़ी हुई सेक्टर में कामकाज करती है। तो काम के भी हाँ पे यदि देखें तो लॉन्ग टर्म में इस कंपनी के शेयर प्राइस में ग्रोथ रहेगी, क्योंकि जो कंपनी काम करती है उसका डिमांड हमेशा रहेगा। और ये जो कंपनी के क्वार्टर के नंबर आए हैं ओवरऑल यदि देखें तो कहीं ना कहीं ठीक ठाक नज़र हमें लग रहे हैं कि पिछले क्वार्टर के मुकाबले थोड़े से बेहतर रिजल्ट आए हैं। तो ये वजह है कि स्टॉक में तेजी भी देखने को मिल रहा है। प्लस चार्ट पे जो आप देखते हैं तो यहाँ पे कहीं ना कहीं डब्ल्यू टाइप का फॉर्मेशन मिलता है, और जब भी चार्ट पर डब्ल्यू टाइप का फॉर्मेशन बने तो वहाँ पे तेजी आने के संकेत होते हैं। जरूरी है कि ये जो लेवल है 45% का, इसको बस ब्रेक करे, ब्रेक करेगा तो इजिली 50 से 55 रुपए के लेवल में आ जाएगा इस रेंज में। और एक बार कंपनी इस रेंज में आ गए फिर कहेंगे कंसोलिडेशन रेंज में आ गया, और कंसोलिडेशन रेंज में आने के बाद स्टॉक का प्राइस जब ऊपर निकलेगा तो इजिली आपको 85-100 रुपए तक शॉर्ट पर जाते हैं। अभी मेन चीज क्या है कि इस रिजल्ट के बेसिस पे बस कंपनी का जो शेयर प्राइस है वो इस लेवल में आ जाए, इस लेवल में जैसे आएगा उसके बाद ये आ जाएगा अपने कंसोलिडेशन वाले रेंज में, और फिर इसमें से जब निकलेगा तो प्राइस ऊपर ही जाएगा। ये आप सभी जानते हैं रेंज बाउंड से बाहर निकला तो प्राइस ऊपर जाता है। आप धैर्य रखें जिसके पास शेयर है, बाकी कोई नया इन्वेस्टमेंट करना चाहता है तो प्राइस को इस लेवल में आने तक वेट कीजिए। जैसे इस रेंज में आ जाएगा फिर आप मैं वीडियो बनाकर अपडेट करूंगा, आप इसमें अपडेट नया बाई कर सकते हैं। फिलहाल अभी बाई करने की आवश्यकता नहीं है।
बीएससी इंडिया की वेबसाइट पर जो आप इस स्टॉक को देखते हो तो आप पाएंगे बीएससी इंफोटेक्निक्स लिमिटेड में अभी ट्रेडिंग जो है सस्पेंडेड कर दिया गया है पिनल रीजन को। इसका मतलब होता है एक पेनाल्टी लगी है जो फी भरनी होती है एक्सचेंजेस की, इस स्टॉक ने शायद फी को पे नहीं किया है जिस वजह से इसमें ट्रेडिंग भी सस्पेंडेड है। हालांकि ज्यादा दिनों तक तो नहीं रहेगा, ये हट जाएगा, इसे लेकर घबराना नहीं है। अच्छी बात है कि इसके बावजूद भी कंपनी के जो शेयर प्राइस है इसमें आपको अपर सेगमेंट लगते हुए दिखा है और जिसने बताया कि रिजल्ट ठीक आ रहा है, फंडामेंटल भी सुधार हो तो ये तेजी आपको आगे भी देखने को मिलती रहेगी। मेन चीज है टेक्निकल पर ध्यान देना है और टेक्निकल बेहतर नजर आ रहा है तो आपको इससे छोटे मोटे समस्या से घबराना नहीं है। उम्मीद करता हूँ वीडियो में जो जानकारी मिली थी समझ में आया होगा। मन में कोई भी सवाल है कमेंट में जरूर पूछेगा। व्यक्तिगत रूप से जुड़कर बातें करने के लिए आप उनको इंस्टाग्राम पर फॉलो कर सकते हैं। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद, शुक्रिया।